हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और मैं बना रही हूँ काले चने। काले चने अभी मैंने उबाले हैं, ये देखें। ये साइडों पे काली मतलब जल के नहीं हुई, ये चने की जो है झाग उसका है। अच्छा जी, इसमें मैं अभी डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है ये मिचल्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से, हाँ, ये 2 टीस्पून में डाल रही हूँ। सीटे उड़ रहे हैं भाई। ये मैंने ऑयल में डाल दिया है। अच्छा जी, ऑयल ज़्यादा गर्म होना तो फिर उसमें अगर आप कोई पेस्ट वगैरह डालें तो खीर जो है ना जल्दी पक जाता है। अगर ठंडा ऑयल होएगा तो खीर मतलब टमाटर है या कोई भी चीज़ है वो लेट पकती है। ये देखिए, अच्छा जी, इसके बाद जो है ये मैंने टमाटर 2 काटे हैं। काले चने जो हैं उसमें डालने के लिए ये है टमाटर और हरी मिर्च। साइड में जो है लग रही हूँ 5 का मसाला होता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर ढक्कन दे दूंगी, ये अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन दूंगी और उसके इसको ज़रा थोड़ा सा नरम होने देंगे, पकने देंगे। ये सालन जो है, ये फैसल कह रहे थे मैं खाऊंगा, वाइट कोरमा बनाया था और मैंने कहा है कि भाई मैं जो हूँ काले चने बनाऊंगी। और ये मेरे बर्तन जो है ना बिखरे पड़े हैं, इनको सर साइडों पे रख लो। उसके बाद जो है फैसल फिश भी लाए हैं, ये फिश है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, फिर जो है सालन में ये बड़े बड़े से निकलते टमाटर। ये जी हमारी देसी हांडी, देसी खाना, पाकिस्तानी देसी खाना। ये हमेशा याद रखें कि आपका मसाला जो है आप बनाते हैं सालन के लिए, लहसुन अदरक प्याज टमाटर, ये अच्छी तरह से मैश हो के अच्छी तरह से चॉप किए हुए हो तो ही उसमें आलू डालो, गोश्त डालो, चने उबाल के डालो, कोई भी चीज़ मतलब आप डालते हैं, सब्जी डालें तो वो मसाला जो है खड़ा खड़ा नहीं होता। और अच्छी तरह इसमें भूनना चाहिए मसाले को भी और जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको भी, तो फिर सालन का टेस्ट आता है। बाकी और कोई भी राज नहीं है, सिर्फ यही राज है कि आप जो मसाला बनाते हैं ना वो अच्छी तरह होना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये एमरजेंसी में बना रही हूँ, मैंने प्याज नहीं डाले, प्याज भी डालते होते हैं इसमें, मैंने अभी नहीं डाले क्योंकि रात के बज रहे हैं 10। और बस ये देखें, ये हमारा जो मसाला है बड़ा खूबसूरत मज़ेदार तरीके से मैश हो गया। ये देखें टमाटर, देखें सारे मैश हो गए अच्छी तरह से। ये अब इसमें जो है हम डालेंगे टंटड़ा, क्या मिर्च हम डाल रहे हैं, ये लाल मिर्च 1 टीस्पून, थोड़ी सी और डाल लेते हैं यार, सॉरी आपको, ये 1 टीस्पून हल्दी, हल्दी भी हमारी डालने वाली है इसमें, हल्दी साइड पे है। और ये हल्दी ठीक ठाक डालनी चाहिए, हल्दी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं डालनी चाहिए, ठीक डालनी चाहिए। मैंने 1.5 चम्मच डाली है हल्दी,
और इसमें 1 टीस्पून हमारा जाएगा नमक का। थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, वैसे मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हो गई हूँ तो मुझे जो है ना थोड़ा ही खाना चाहिए। चम्मच छोटा है इसलिए मैंने 1.5 डाल दिया। अच्छा जी, ये हमारा मसाला हो गया तैयार। उसके बाद हम डालेंगे क्या, चना, काला चना। ये एक हाथ से ही सारा कुछ हो रहा है। और इसमें डालेंगे ये काला चना। हमारे तो बड़े बुजुर्ग ये मैंने कहते हुए सुना है कि काले चने जो है ना इसमें बकरे के गोश्त के बराबर तासीर होती है। सुना आपने डियर फ्रेंड्स? इसमें बहुत ताकत होती है। इसके आप काले चनों के चावल बनाए, ओहो हो बहुत मजेदार। काले चने का शोरबे वाला सालन बना के साथ में चावल उबले हुए हों, उफ मजेदार हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम चले धनिया तोड़ने। हाय कैमरा कौन पकड़ेगा यार, मैंने धनिया लगाया हुआ है, वो तोड़ते हैं। आओ। अच्छा जी, मेरा कैमरा मैन अभी होगा हानिया नवाज। ठीक है, कैमरा हानिया पकड़ेगी। आओ हम चलें धनिया तोड़ने। मैंने घर के बाहर एक धनिया लगाया हुआ है, देख ना। ये है जी हमारा धनिया। टन टन ये धनिया हमने बाहर लगाया हुआ है। मिट्टी देखो कितनी है, फोक भी पड़ रही है ना। ये देखें, ये देख, ये हमारा धनिया एक आंडे के लिए तैयार है। ठीक है, आपके जी शुक्रिया कैमरामैन साहब। बाय बाय। सुल्तान भाई क्या लेके आए हैं? मंचा कड़ी वाह, दिखाएं। आलमंड विद फ्राइड राइस। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई बहुत मजेदार बनी है। ये मैंने खुद आपके लिए स्पेशल बनाया। आप अपने चैनल बनाए और उसमें इस तरह की रेसिपी बना के डाले, वो मजा आ जाए। और मैं देखे किसकी पर रेसिपी बना रही हूँ, काले चने की। ओह माय गॉड, ये मेरे फेवरेट है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मजा आ गया। वेरी नाइस, सही तरह पक गए। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालने लगे हैं और साथ में धनिया डालने लगे हैं। पानी साफ था, परेशान ना हो। इसकी जो खुशबू है ना, ओए होए बहुत मजेदार होती है काले चने की। तो ये हमारा सालन जो है 5 मिनट बाद तैयार, क्योंकि हमने सिर्फ पानी पकाना है। उसके बाद मैंने रोटी बनानी है। ये देखें मैं जो हूँ रोटी बना रही हूँ। और इसके बाद चावल भी साथ साथ गर्म कर रही हूँ। रोटी तैयार है और ये सालन भी तैयार है। ये मैंने गर्म किया ओवन में और उसके बाद सालन हमारा तैयार है। मैंने अकेली ने अपने लिए बनाया बस सालन, कैसी बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।
ये हमने बनाई सेवियाँ, ये हैं चावल, ये है रोटी और ये हैं चने। खा ले चने, आप भी बनाएं और मज़े से खाएं। और हानिया, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, डॉल लग रही हैं। उफ माय गॉड, मियाँ जी भी कम नहीं लग रहे, प्यारे लग रहे हैं। और मोहम्मद हुसैन भी प्यारा लग रहा है। बस इतने लेने हैं, रोटी भी खानी है साथ में। वो तो हमने भी खाया शवारमा, लेकिन साथ में फिर भी आप ना। ओह हो, कीमे मियाँ जी, गुड बेगम, वेरी गुड बेगम।